हमारी क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन ने अपना अपन पढ़ रहे हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। उसमें अपन ने बजट की परिभाषा पढ़ी, प्रतिक्रिया पढ़ी, प्रकार पढ़े और बजट प्रतिक्रिया की क्या मतलब क्रियाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे बेटा बजट के अंग या अव्यय। तो बजट के गुण या अपव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्वजनिक और एक होते हैं सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। दो प्रकार के अंग होते हैं। सार्वजनिक आय में से तात्पर्य होता है सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकार व्यय के लिए आवश्यक। इसके भी दो प्रकार होते हैं। तो होता है एक चालू प्राप्तियां जैसे कर, फीस, सरकारी उद्यम आदि। और उसके बाद होते हैं पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं जो होती हैं सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान होते हैं और घाटे का वित्तीय व्यवस्था आदि। तो ये बजट के अंग के अंतर्गत आता है। तो अपन पढ़ेंगे दो प्रकार के ऐसे मुख्य अंग होते हैं सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। इसके अंतर्गत आता है बेटा सार्वजनिक व्यय जो होते हैं उसमें इसके अंतर्गत आता है कि सार्वजनिक आय से तात्पर्य होता है सरकार की उन मौद्रिक प्राप्तियों से जो। फिर उसके बाद होता है सार्वजनिक दो प्रकार की होती है पब्लिक और सार्वजनिक व्यय। तो उसके बाद होता है सार्वजनिक आय क्या होते हैं। तो सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार के जो सरकार होते हैं उस मौद्रिक प्राप्ति से होता है जो सरकारी व्यय के लिए आवश्यक होते हैं वह होते हैं सार्वजनिक व्यय। दो प्रकार में दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो चालू आय जैसे कर हो गई, फीस हो गए, सरकारी उद्यम की आय हो गई, ये सब क्या होगा चालू आय प्राप्ति में आएंगे। और पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे वो हो गया सार्वजनिक ऋण हो गए, सरकारी अनुदान हो गए, घाटे का वित्तीय मतलब जो है वो व्यवस्था हो गई। तो ये सब काय में आएंगे। सार्वजनिक आय को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला चालू और प्राप्तियां, दूसरा पूंजी। चालू प्राप्तियों के अंदर काय कर प्राप्तियां और दूसरा होता है गैर कर आय प्राप्तियां। तो जो आपको कर की मतलब कर आय प्राप्ति होती है और दूसरा होता है गैर कर प्राप्ति। जो चालू आय से जो प्राप्त होते हैं वह कर आय प्राप्तियां, दूसरा होता है गैर कर आय प्राप्तियां। सार्वजनिक आय के साधन से कर, सार्वजनिक आय के जो साधन होते हैं उसमें आता है कर। कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिसके आवश्यक रूप से सरकार जो कर देते हैं सरकार को। अपने कई प्रकार के कर होते हैं, मान लीजिए आयकर, वित्तीय कर, संपत्ति कर, ये सब कर ऐसे भुगतान है जो आवश्यक रूप से अपन सरकार को उनके बनाए गए कानूनों के अनुसार अपन देते हैं, दिया जाता है। इसके बदले में अपन को सेवा प्राप्ति की आशा नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। तो प्लेहन ने एक परिभाषा दी है, कर धन के रूप में दिया गया वह अंश अनिवार्य अंशदान है। जो कर है वो धन के रूप में ऐसा दिया गया अंशदान है राज्य के निवासियों को समान लाभ पहुंचाने के लिए, वह पूरा करने के लिए लोगों से लिया जाता है। एक परिभाषा हो गई ये कर की। तो कर वह कर धन के रूप में वह अनिवार्य अंशदान है राज्य के निवासियों को, जो राज्य में रहते हैं उन निवासियों को समान लाभ पहुंचाने के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लोगों से लिया जाता है। फिर है करों के प्रकार। तो करों के प्रकार में पहला आ गया कर प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर प्रणाली से आय बढ़ाने के साथ साथ दर भी क्या होती है बढ़ती है। डाल्टन ने एक परिभाषा दी है, प्रगतिशील करों को करदाता की आय जितनी अधिक होगी, मतलब प्रगतिशील कर वह होते हैं तो करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतना ही अनुपात में वे क्या कर पाएंगे कर अदा कर सकते हैं।
उसे प्रगतिशील व न्यायपूर्ण होता है। डॉल्टन ने प्रगतिशील कर के लिए एक परिभाषा दी है। उसे डॉल्टन ने परिभाषा कर प्रगतिशील करों को करदाता की आय जितनी अधिक होती है, मतलब जो करदाता होते हैं जिनकी आय अधिक होती है उतने ही अनुपात में वे क्या करते हैं, कर अदा करते हैं, तो उसे प्रगतिशील न्यायपूर्ण होता है। इसका वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर और निर्धनों पर क्या होते हैं, कम पड़ते हैं। और भारत में आयकर प्रगतिशील कर है, मतलब जो भारत में आयकर है वह कैसा कर है, प्रगतिशील कर है। जो अपन आयकर देते हैं उसे प्रगतिशील कर भी कहा जाता है। फिर है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर इसमें कम आय वाले व्यक्तियों पर अधिक दर पर कर लगाया जाता है। जो प्रतिगामी कर होते हैं उसमें कम आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उस पर कर अधिक दर पर लगाया जाता है और अधिक आय वालों पर कर की दर अपेक्षाकृत कम होती है। यह कर अन्यायपूर्ण होते हैं। इसका वास्तविक भार निधन व्यक्तियों पर अधिक और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। जो प्रतिगामी कर होते हैं, जो निर्धन व्यक्ति है उन पर इसका भार अधिक होता है और धनी व्यक्तियों पर इसका भार कम होता है। तो ये आप करों के प्रकार देख रहे हैं, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विशिष्ट कर और मूल्य अनुसार कर। तो कर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा तीसरा है प्रत्यक्ष कर, मतलब वे कर जिनका भुगतान एक ही बार दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनका भुगतान, मतलब वे कर ऐसे होते हैं जिनका भुगतान एक ही बार किया जाता है और वे व्यक्तियों का भुगतान करते समय जिन पर लगाया जाता है अर्थात उनके भार को दूसरे पर डाला नहीं जा सकता। डाल्टन ने भी इसकी परिभाषा दी है, प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर है, मान लीजिए किसी के नाम पर मकान है तो वह जो कर देगा तो उसी वह संपत्ति कर वही व्यक्ति चुकाएगा जिसके नाम से वह मकान है। तो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसका भुगतान एक ही बार दिया जाता है और व्यक्तियों का वे व्यक्ति उसका भुगतान करते हैं जिस पर वह लगाया जाता है। डाल्टन ने इसकी परिभाषा दी है। डाल्टन ने कहा है प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए आयकर, मैंने भी बताया निगम कर, दूसरा है संपत्ति कर और तीसरा है मृत्यु कर आदि। तो ये प्रत्यक्ष कर के क्या है, उदाहरण है। आयकर है जो जो आय प्राप्त कर रहा है उस पर लगेगा। निगम कर है जो निगम के द्वारा जो संपत्ति हो गया, जल कर हो गया, ये सब कर जो होते हैं, मृत्यु कर हो गए, ये सब निगम के द्वारा जो कर होते हैं वे लगाए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं, मतलब जो अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसका भुगतान दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वे स्वयं जमा होते हैं और अप्रत्यक्ष कर वे हैं जिसका भुगतान दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। अतः अप्रत्यक्ष कर का कर भार किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है जो कर की मौद्रिक भार अन्य व्यक्तियों के कंधे पर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए बिक्री कर, आयात निर्यात कर, उत्पादन कर आदि। तो ये क्या कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। डाल्टन ने इसकी भी परिभाषा दी है। तो डाल्टन ने अप्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं इन पर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाते हैं किंतु आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य को भी करना पड़ता है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। उसके पास बाद हो गया बेटा विशिष्ट कर। वो विशिष्ट कर क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति पर उसके वजन के अनुसार विशिष्ट कर या मात्रा के अनुसार कर। तो जब किसी वस्तु पर उसके वजन के अनुसार इकाइयों या आकार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर या मात्रा अनुसार कर कहते हैं। इस पर मतलब ये कर है वह लाभ है, यह सुविधाजनक और सरल होता है। इसे
कर का लाभ या सुविधाजनक है और सरल होता है, किंतु इसका दोष यह है कि इसका प्रभाव देश के धनी वर्ग पर कम और देश के निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इसलिए यह अन्यायपूर्ण तथा दूसरा दोष यह है कि इससे करों की चोरी की संभावना होती है। तथा जो विशिष्ट या मात्रानुसार कर होते हैं वह अमीरों पर कम और गरीबों पर इसका प्रभाव, धनी वर्ग पर इसका प्रभाव कम होता है और निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो यह कर प्रणाली जो है वह कैसी है, अन्यायपूर्ण है, और इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें करों की चोरी की संभावना अधिक होती है। उसके बाद है बेटा मूल्य अनुसार कर। तो मूल्य अनुसार कर क्या होते हैं? मूल्य अनुसार कर जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार, तब जो मूल्य अनुसार कर है वह किसी वस्तु पे लगाए जाते हैं, जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार, उसे मूल्य अनुसार कर कहते हैं। जब कोई वस्तु पर जो कर लगता है उसके मूल्य अनुसार कर कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 10% की दर से लगाया जाए तो वह मूल्य अनुसार होगा। विक्रय कर प्राय इसी प्रणाली में लगाया जाता है और ये यथा मूल कर भी कहा जाता है। तो ये मूल्य अनुसार कर मतलब किसी वस्तु पर लगता है कर और वस्तु के मूल्य पर लिया जाता है और इसे मूल्य अनुसार कर कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 10% की दर से लगाया जाए तो यह कर क्या कहलाएगा? मूल्य अनुसार कर कहलाएगा और इसे यथा मूल कर भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर में कर का भार एवं कर का दायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है। तब जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनका भार एक ही व्यक्ति पर और एक ही व्यक्ति पर मतलब कर लगाया जाता है और उसका भार एक ही कर का दायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है। फिर दूसरा है अप्रत्यक्ष कर में कर का भार एवं कर का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वह कर का भार एवं कर का दायित्व कैसा होता है? अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। फिर दूसरा है प्रत्यक्ष व समान प्रकृति में प्रगतिशील होते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वह समानता कैसे होते हैं? प्राकृतिक में प्रगतिशील होते हैं और अप्रत्यक्ष कर समानता प्राकृतिक से प्रतिगामी होते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं समानता प्राकृति से प्रतिगामी होते हैं। और प्रत्यक्ष कर का समानता उदाहरण होता है जिसमें आयकर होते हैं। जो प्रत्यक्ष कर में आयकर होता है वह प्रत्यक्ष होता है जो अपन देते हैं और निगम कर जो होते हैं उसके अंतर्गत आप मान लीजिए संपत्ति कर हो गया, जितने भी निगम कर होते हैं, जल कर हो गया, तो ये सब कर होते हैं जो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं जो एक ही व्यक्ति पर क्या होते हैं? लगाए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उसका उदाहरण है बिक्री कर, उत्पादन कर आदि। तो प्रत्यक्ष कर के ये दो उदाहरण। तो ये परीक्षा के दृष्टि से छोटा सा एक प्रश्न अगर के प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हो। कर 6 प्रकार के होते हैं, प्रगतिगामी प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विशिष्ट कर और मूल्य अनुसार कर। तो ये 6 प्रकार के कर हो गए। उसी प्रकार बेटा पूछा जाए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। लेकिन छोटा सा बेटा 2 या 3 नंबर का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर मैंने बताया। प्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगता है और अप्रत्यक्ष कर अलग अलग व्यक्तियों पर लगता है। प्रत्यक्ष कर समानता प्रगति प्रगतिशील होती है और अप्रत्यक्ष कर समानता प्राकृतिक के प्रतिगामी होती है। तो प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो आयकर, निगम कर आदि में आते हैं और अप्रत्यक्ष कर विक्री कर और उत्पादन कर में वृद्धि में आते हैं। बेटा आज आपको मैंने करों के प्रकार पढ़ाए। उसके बाद मतलब ये आपने क्या पढ़ा? बजट के अंग, बजट के अंग के अंतर्गत करों के प्रकार पढ़े और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष में अंतर। धन्यवाद बच्चों।